बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के बज रहे हैं 12 के करीब, तो हमने उड़ी उड़ी पहन लिया भाई। काफ़ी ठंडी चालू हो चुकी है मुंबई में, काफ़ी मतलब क्या है, 1-2 डिग्री कम होता है और हम लोग को भारी पड़ जाता है। चल बाय बाय कालू, एक बिस्किट इतना कुछ कर देती है। जाम हो गया यार, चल अंदर जा, अंदर जा, चल बाय बाय। तो ये एक्स्ट्रा लाइट लगा दिया, एक तो ख़राब हो गई है एज यू गाइस नो, पत्थर लग के। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वो डैम का लाइट है यार, एक लाइट ने इतना धमाल कर दिया इसके। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सही किया दोस्त, बहुत सही किया। ये एक आगे लगा के तूने, ये लाइट मुझे बहुत पसंद आई है जो मैंने करोल बाग में लगाई थी। क्या लाइट है इसकी, रोशनी तो मेरा दिल जीत लिया इसकी रोशनी ने, अमेजिंग। HJG की लाइट है, करीब 30 वॉट के करीब का ये एक हेडलाइट है ये, और लाइट तो सुपर्ब। और ये भिंडी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ठाणे। ठाणे में एजॉय भाई का रूम शिफ्ट हो रहा है, तो ही नीड्स हेल्प, तो एज अ बेस्ट फ्रेंड मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उनके हेल्प के लिए सब बिजी है और मैं फुकट बैठा था, तो अभी मेरे को जाना ही पड़ेगा। और वो शिफ्ट हो रहे हैं मैंगलोर। लाइट यार दिल जीत लिया, क्या लग रहा है यार अभी, मतलब मेरे राइड से ना एकदम कंफर्म अच्छे अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा किया इस पर लगा के। और इसका जो दूसरा जो टूट गया ना लाइट, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या IC गए इसके, तो IC जो है वो डिसमेंटल हो गए एक जगह से अपने। स्प्रेड लाइट का बहुत फ़ायदा है यार, मेरे को अभी सबका अपना अपना चॉइस है, बट मुझे स्प्रेड लाइट ही पसंद है और मुझे वही जमता है। और ये मैंने बीच में लगा के बहुत अच्छा किया है। इसका दूसरा लाइट भी जब बन जाएगा ना, एक मैं इसमें माउंट बना दूंगा, सो क्या एक स्टेबल हो जाएगा। क्या माउंट का भी टेंशन नहीं है, अपन DIY वाले खुद बना देंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं अपन। काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए थे इस गाड़ी के मॉडिफिकेशंस के बारे में, तो गाइस इसका अलग वीडियो मुझे बनाना ही बेटर है, अदरवाइज ऐसे मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किए। काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए, काफ़ी सारे मतलब चीप पार्ट्स मैंने इसमें यूज़ भी किए काफ़ी सारे। और ऑब्वियसली बजाज के गाड़ियाँ का मेंटेनेंस जो है, मतलब पार्ट्स का जो कॉस्ट है ना, थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक। मेरे आने वाले राइड्स की, तो वो भी बहुत सारे राइड्स होने वाले हैं। अरे बाप रे, उससे पहले मुझे मेरी डोमिनर को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैंने ये गाड़ी ली है तब से इसका क्लच प्लेट जो है, मुझे तो कभी इसका इफेक्ट लगा नहीं है कि क्लच प्लेट गया है, क्योंकि मेरे साथ हर लंबी राइड पे कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, तो मैं कोई रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों 3 साल के बाद मैं इसका क्लच प्लेट जो है वो चेंज कर दूंगा। मुझे कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं अभी फिलहाल क्लच प्लेट से इसके, पर फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, और मेरी राइड जो वो आने वाली है बहुत लंबी राइड होने वाली है। अगर इतनी लंबी राइड पे और उस रास्ते पे जहाँ मैं जाने वाला हूँ, अगर वहाँ रात का समय रहा और मेरी गाड़ी का क्लच प्लेट उड़ गया, समझ जाओ कि मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। कोई बुरा हाल होने से अच्छा इससे अच्छा पहले ही रिपेयर करवा लूँ बेटर है। तो इसका मुझे क्लच प्लेट चेंज करना है, इसका मुझे चेंज पॉकेट चेंज करना है, इसका मुझे ऑयल सील जो फ्रंट शॉक अपसर का, उसका ऑयल सील चेंज करना है, क्योंकि वो ऑयल सील तो डेली राइड में जा चुका था। अब क्या एक साइड अच्छा है एक साइड गया है, इसलिए चल रहा है और मैं चला रहा हूँ बिकॉज ऑयल सील मिल नहीं रहा है, सर्विस सेंटर में भी अवेलेबल नहीं है। सो उनके खुद के पास 3 गाड़ी पेंडिंग पड़ी है ऑयल सील की वजह से। तो दोस्तों जरा कमेंट में बताना ज़रूर कि मेरा माइक जो मेरा वॉइस है वो कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है एज पर कम्पेयर टू मेरे पहले के वीडियो के मुकाबले। अगर अच्छा आ रहा है तो मतलब मेरा जो DIY मेरी मेहनत जो है माइक की सेटअप पे, वो मेरा सक्सेसफुल रहा, अदरवाइज़ फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। पार्ट्स का ना बहुत इशू हो जाता है अगर मिलता नहीं है तो, और मिल जाएगा तो मैं फटाक से इसको लगा के और हमारी आने वाली राइड के लिए तैयार हो जाऊँगा, बिकॉज जो राइड है वो ऑसम होने वाली है गाइस, ऑसम। फुल आग लगा देने वाले अपन, आग अनुमलिक कैसे आ गया। मेरे इग्नाइटर ने मुझे ऑलमोस्ट हाफ मैकेनिक बना दी है, कहीं भी ख़राब हुई तो मैं एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिपेयर करके, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं पहुंचा सकता हूँ मेन मैकेनिक के पास। सो मेनी थिंग्स टू डू। यहाँ लाइट लगाने के बाद है ना थोड़ा सुकून हो जाता है, बिकॉज किसी के ऊपर नहीं मारेगा, नीचे से ये ऊपर मारता था, और ये ऊपर से जो है ना अभी सीधा रोड पे फोकस करेगा और अच्छा खासा एंगल मिलता है। अपर का तो टेंशन नहीं है,
कि किसी के चेहरे पे मारे, बट ये है कि अगर आपकी लाइट अच्छी हो ना तो आपकी नाइट राइड कोई ऐसा मतलब बाधा नहीं डाल सकता नाइट राइड पे आपके। और गाइस बहुत सारी लंबी लंबी राइड्स होने वाली है, सो बी प्रिपेयर एंड शेयर द वीडियोस। आपका भाई फेमस हो जाना मांगता ना भाई। सो मैं सैडल बैग कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, बिकॉज अजय भाई के पास जो है कुंडी है, झाड़ की छोटी छोटी कुंडियाँ है, वो मेरे सैडल बैग्स में लेकर आ जाऊँगा। अच्छे खासे प्लांट्स है उनके पास। ओ भाई ठंडी चालू हो रही है, ठंडी लग रही है। तो ग्लव्स जो है वो चेंज करने का टाइम आ चुका है, अभी हम लोग देखेंगे कोई अच्छा सा विंटर ग्लव्स। खड्डे, हल्का सा भी खड्डा है ना, मेरे को बहुत गंदा फील होता है ये गाड़ी पे। अगर आप लोगों ने दिल्ली का वीडियो नहीं देखा है जहाँ करोल बाग में हम लोग ये लाइट लगा रहे थे, तो आप वो जरूर देखना, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा उसका। रोड खराब, बहुत ट्रैफिक मिलता है, और इसलिए मैं यहाँ पर आज 12 बजे के बाद नहीं पहुँच रहा हूँ। 12 तो बज के गए होंगे, कंफर्म है तेरी तो यार। डर लगता है, शॉक ऑफ सर गया है। और मेरे लेफ्ट साइड में है वो जंगल है, यहाँ रुकना बेकार है गाइस। यहाँ पे मैंने कितने सारे जंगली जानवर देखे, मतलब शेर चीते नहीं होंगे वो भी अंदर। मैंने यहाँ पर देखा वो स्नेक्स हो गए, घोरपड़, जो लिजार्ड बोलते हैं, मॉनिटर लिजार्ड मराठी में घोरपड़ बोलते हैं। मैंने यहाँ पर देखा है जस्ट यहीं पे, बड़ी जोर से नहीं, बहुत जोर से आवाज आया। थोड़ा स्लो स्लो चलता हूँ इंडिया, नहीं तो बचा कुचा भी खत्म हो जाए। तो अभी आ जाएगा पेट्रोल पंप, सो हमको मारना है राइट। तो यहाँ से थोड़ा सा अपोजिट, नहीं यार खड्डा नहीं, बहुत डर लगता है अभी, कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ये लाइट बंद, ओह काफी सारा डिस्टेंस डिफरेंस है, ये रो है। अरे क्या बात है, पता नहीं देखेगा नहीं आप लोग को। आ जाओ भाई, आ गया हूँ मैं, अभी राइड मार के अंदर घुसा हूँ, बिल्डिंग की तरफ आ रहा हूँ। तुम कहाँ, अभी ऑफिस से निकले क्या? बेचारे डॉग्स, नहीं भौंकना नहीं रे। अभी पीछे देख उसको क्या है। लाए अभी मेरा फ्रेंड लोग पूछ रहा था, हाँ तो ये तो सचिन ने रखा दिया ना, मतलब ये सचिन है, हाय मनीष है, वैसा इनको तो पहचान देखा है इसको, अरे मिला था ना उसे, हाँ तो ये पूरा बना लिया है अश्विन, हाँ हाय। ओ ये डाल के लेके, हाँ ये लाइट इसका ही मैं बोल रहा था, वाइट डाल के लेके, बहुत सुपर ब्राइटनेस है अभी। वो एक तो खराब हो गया, राइड पे जाता ही रहता है, हाँ एवरी संडे जब टाइम मिले और मनी भाई रहे तो फिर निकल रहे हो बजाज, इसलिए थोड़ा सस्ते में हो जाए। ओके निकाल देता हूँ घर पे, हाँ पूरा पूरा सब। ये रहो ये, ये रहो। अच्छा अरे यहाँ से एक साइड से कैसे ये लाइट निकल रही है इसमें, एक रफ सा सब लगती है। तेरा मुंह मत लेना भाई। अरे भाई हम लोग बोले ऐसा नहीं, क्या कर रहा है? अदरक और मिर्ची, ऑयल मिल, तीन चीज इसमें, लेमन थोड़ा ऊपर से, विनेगर नहीं है ना? हाँ अच्छा, लेजर लाइट दिखाओ जरा जो है, खतरनाक। तो दोस्तों सुबह के अभी बज रहे कुछ 6 और अभी सनराइज होने वाला है। अभी रात भर जाके हम लोग ने पैकिंग किया है, हालत तो देख सकते हो कैसी हो गई है। सो अभी टीवी बाकी इतना सब कुछ पैक हो चुका है, खाली हो गया है। सुबह का सीन कुछ 10 बज रहे, ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, फाइनल क्लीनअप हो रहा है। सारा सामान नीचे जा चुका है, अभी थोड़ा बहुत झाड़ू मार के पोछा मार रहा है, जो भाई पोछा मार रहे हैं, मैं झाड़ू मार दिया हूँ, सारा कचरा बाहर रख दिया डस्टबिन में, और अभी ख़त्म हो गया है काम, अभी निकलेंगे घर। ये सब सारा सामान जो है ये हमें अभी मेरे बाइक पे भरना है, बिकॉज जो झाड़ की कुंडी वगैरह वो मैं लेकर जा रहा हूँ।
अपना सामान इधर पड़े ला बाहर। हाँ ऑल डन ऑल सेट निकलते हैं फिर अभी। चलो निकलो तुम मैं निकल। हाँ वहाँ आऊँगा तो फिर मिलता हूँ, उधर आता हूँ तो मिलता हूँ। चलो चलिस लेट्स गो। क्या थैंक यू भाई। चलो हाँ हाँ चलो पैसा आप ले लो। ओके गाइस हम लोग अभी निकल गए। चलो भाई साहब सारा सामान लाद के निकल रहे हैं हम लोग। सैडल बैग का तो अच्छा फायदा उठा रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो जाओ भाई जाएंगे अंधेरी, मैं जाऊँगा नाला सुपारा। थोड़ा स्लो स्लो ही जाना पड़ेगा बिकॉज झाड़ जो है टूट ना जाए। ओ डैम बैल आ जाती थी अभी सामने। सो एजॉय बाय को कर दिया है अलविदा, एक फाइनल बाय बाय करते। चलो बाय। वीडियो ले रहा था बाय का, बाय का वीडियो ले रहा था। ए रहा गुड़बंदर टोल। चलो बाय। अइला ए नकल लगेगा। क्या खड्डे हुए ऐसे ही जाना पड़ेगा मेरे को। भिंडी कार वाले ने क्या देखा, चा अला घुस जाता था अभी। क्या क्या करना पड़ता रे भाई रोड पे ऑफ रोड। हमारी एडवेंचर नहीं है, हमारी टूरर है क्रूजर है। डाल देता भागा एक लगे। लगेज की वजह से मैं रिक्स नहीं ले रहा बिकॉज यार साला किसी का भी गाड़ी लग गया तो फटोट जाएगा मेरा बैग। तो ऑलमोस्ट अपन लोग पहुंच गए घर पे, बट उससे पहले जाने वाले हैं अपन, हमारी हेडलाइट ग्रिल में जो इशू आया था वो बताने हैं। और अरे पीछे गया क्या, इधर आगे पीछे आगे पीछे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। ओ भाई तो चालू है चालू है, बंद है चालू है, बंद है बंद, चालू है चालू, कोई है ही नहीं। आइला सलाम अरे भाई। और खैरियत अरे क्या है रेडिएटर ग्रिल वो नहीं लग रहा है कौन सा। हाँ मैं दूसरा ले लिया ना। बना दिए क्या? हाँ बना दिया। अरे वो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मैं लेके नहीं आ पाया। अरे नहीं मैं बना दिया भाई। अच्छा ये वाला लगाएगा इसके लिए। बाकी हेडलाइट ग्रिल तो भाई बहुत तारीफें होती है, अपनी ऑप्टिमस प्राइम लुक है ना। ऑप्टिमस प्राइम लुक आता है। चलो भाई अल्लाह हाफिज़। चलो चलो भाई अब टेकिंग अपडेट फॉर टॉप बॉक्स, होप सो जल्दी मिल जाएगा, लेट्स सी। अबे 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 इजी 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 इजी। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, और डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, उसको भी चेक कर लेना। अगर पसंद आए तो लाइक करना उसको भी। तो अभी के लिए इतना ही, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर और राइड सेफ, बूम।